आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज होता है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब भी बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट हो जाते हैं तो उनके मन में यही कंफ्यूजन रहता है ग्रेजुएशन के बाद हम लोग उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, कितना परसेंट हमारा मार्क्स आया है, क्या ऑनर्स का जो मार्क्स होता है उस पर कैलकुलेट करें या सब्सिडरी पर करें या कंपोजिशन पर करें या तीनों चारों जो सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सबको जोड़कर कैलकुलेट करें परसेंटेज, या कभी भी आपको फॉर्म भरना होता है ग्रेजुएशन पर तो उसमें आपको भरना होता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, कितने मार्क्स से पढ़े हैं, कितना परसेंटेज आपका आया है, तो ये टोटल सब लिखना होता है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ हम ऑनर्स वाला ही सब्जेक्ट का नाम लिखे या सब सब्जेक्ट का नाम लिखे, कौन सा मार्क्स भरे, कितना परसेंटेज भरे, आज सभी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं बीए बीएससी बीकॉम तो ये 3 साल का होता है। क्या होता है? 3 साल का। तो पार्ट वन का जैसे एग्जाम देते हैं तो पार्ट वन का मार्कशीट आपको मिलता है, पार्ट टू का एग्जाम देते हैं तो पार्ट टू का मार्कशीट मिलता है, और पार्ट थ्री का जब एग्जाम देते हैं तो पार्ट थ्री का जो मार्कशीट मिलता है उस पर कौन कौन से मार्क्स होते हैं, पार्ट वन का भी होता है, पार्ट टू का भी होता है, ध्यान समझिए, पर समझते जाइए, पार्ट वन का भी होता है, पार्ट टू का भी होता है और पार्ट थ्री का भी मार्क्स उस पर होता है, पार्ट थ्री वाला मार्कशीट पर। यानी आपके पास मान लीजिए पार्ट वन वाला मार्कशीट नहीं है या पार्ट टू का मार्कशीट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट थ्री वाला है ना, इस पर सब मार्क्स रहता है। ठीक है, अब आपका मन में सवाल होगा कि ठीक है ये सब तो समझ गया, ये सब तो जानते भी है, तो अब परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करें। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी का होता है कि अपना अलग अलग होता है और कुछ यूनिवर्सिटी का जो होता है वो कॉमन होता है, तो जो कॉमन बातें होती है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंट किया जाता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो ऑनर्स विषय पर किया जाता है। किस पर? ऑनर्स विषय पर, ऑनर्स विषय पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का जो मार्क्स होता है कैलकुलेट किस पर किया जाता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किस पर किया जाता है, ऑनर्स विषय पर। तो ऑनर्स विषय पर कैलकुलेट आपको मार्कशीट पर लिखा रहेगा, जब आपको पार्ट थ्री का मार्कशीट मिलेगा ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अंतिम में बताया जाता है आपको, पार्ट थ्री में जब पास आउट होते हैं तब बताया जाता है जब फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। ये नहीं कि आप सोचे कि पार्ट वन के बारे में समझ लें, पार्ट टू के कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, ऐसा नहीं, पार्ट थ्री में ही टोटल आपको बताया जाता है सब नंबर जोड़कर कि हाँ फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है। तो पार्ट थ्री में क्या किया जाता है कि ऑनर्स का अधिकतर जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि ऑनर्स पर ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन एक बात समझिए, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका यूनिवर्सिटी ने किस बेसिस पर आपका कैलकुलेट किया है, क्या फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। देखिए किस पर होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बात करें कि ऑनर्स पर कैलकुलेट किया जाता है, नहीं तो आपके मार्कशीट में जब आप देखेंगे कि आपको लिखा हुआ है फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है या सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ किनारे में मार्कशीट के किनारे में लिखा रहता है कि ये फर्स्ट और सेकंड किस बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, क्या ऑनर्स के नंबर जोड़े गए हैं या सब्सिडरी के या कंपोजिशन के या सिर्फ ऑनर्स के नंबर पर ही। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का यहाँ पर लिखा रहता है कि सिर्फ ऑनर्स के नंबर पर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया गया है, सिर्फ ऑनर्स के नंबर पर ही क्या किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा गया है। तो सिर्फ मान लीजिए जितना भी आपका ऑनर्स का नंबर आया, मान लीजिए पार्ट वन में आपका 200 नंबर का हुआ, पार्ट टू में आपका ऑनर्स जो है वो 200 नंबर का हो, बाकी सब्सिडरी कंपोजिशन वो अलग की बात है, आप पार्ट थ्री में आपका 400 नंबर का हो गया, तो ये कितना हुआ, 2 2 400 यानी कि 800, कुल कितने नंबर का हुआ आपका एग्जाम, 800, तीनों साल मिलाकर 800 नंबर का हुआ। अब मान लीजिए तीनों साल मिलाकर आपका मार्क्स कितना आया है, 400 आया है, कितना आया है 400, तो कुल मार्क्स नीचे लिख देते हैं, कुल मार्क्स नीचे और जितना आया है ऊपर गुना क्या कर देते हैं 100। अब देख लेते हैं कितना है, यहां से ये 2 0 खत्म, यहाँ 50 बार में, यानी कितना परसेंट आपका आ गया, 50%, कितना परसेंट मार्क्स का आया, 50%। क्या आप फर्स्ट होंगे, नहीं होंगे, सेकंड होंगे। अब यही आपका अगर 60% से ऊपर आता या 60% आता तो आप क्या हो गए होते, फर्स्ट हो गए होते। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि ऑनर्स पर कैलकुलेट होता है, ध्यान रखिएगा, आप अपना मार्कशीटों पर देख लीजिए ना, मार्कशीट है ना वहां पर देख लीजिए कि आपका फर्स्ट किस पर कैलकुलेट किया गया, वो सभी के मार्कशीट पर लिखा रहता है, सभी का मार्कशीट या नंबर के या तो नीचे लिखा रहता है या कौन यहाँ पर लिखा रहता है, दोनों जगह लिखा रहता है, दोनों में से कहीं एक जगह लिखा हुआ होगा। लेकिन एक और बात आप कहेंगे तो आपको परसेंटेज इस पर कैलकुलेट हो गया कि हाँ इतना परसेंट आए, लेकिन यही बात अब अलग बदल जाता है तब जब आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म जब भरते हैं किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो यही मामला बदल जाता है। क्या मामला बदल जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या पीजी का फॉर्म भरने लगते हैं तो क्या बदल जाता है, उसमें आपको लिखा भी रहता है अगर पीजी का कोई भी फॉर्म भरेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए तो उसमें लिखा रहता है कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में इतना नंबर होना चाहिए,
मतलब इतना परसेंट होना चाहिए ऑनर्स में, कुल मिलाकर इतना परसेंट, या कुल मार्क्स मिलाकर ऑनर्स सब्सिडी मिलाकर भी आपका इतना परसेंट होना चाहिए, परसेंटेज लिखा रहता है। नहीं तो अब देखिए, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो आप कैसे मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़े सवाल ये है। ये वो नॉर्मल किसी को बताने के लिए कोई ऐसा पूछ दिया कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया है, तो ऐसे आप ऑनर्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी जैसे भी कैलकुलेट करती है मार्कशीट देख लीजिएगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के तो हम बात कर रहे हैं कैसे ऑनर्स पर कैलकुलेट किया जाता है, बाकी आप अपने यूनिवर्सिटी के देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मैक्सिमम तो ऐसे ही किया जाता है, बाकी आप देख लीजिएगा कि ऑनर्स पर किया जाता है या टोटल पर किया जाता है, ऐसे ऑनर्स पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉर्म की बात कर लेते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फॉर्म भरिएगा तो वहां पर क्या किया जाता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है मार्क्स आपका, मतलब कितना मार्क्स आप लाए हैं और कुल कितना टोटल मार्क्स आपको लिखा जाता है कि टोटल कितना मार्क्स का था, कितना आप टोटल लेकर आए हैं। तो देखिए क्या किया जाता है, इन सब्जेक्ट जहाँ भरना होता है कि सब्जेक्ट आपने कौन कौन से विषय का पढ़ाई किया है ग्रेजुएशन में, तो टोटल सब्जेक्ट भरा जाता है, जो आपने सब्सिडरी में पढ़ा, जो आपका ऑनर्स पेपर है ऑनर्स पेपर का नाम लिखा जाता है, फिर सब्सिडरी का, कंपोजिशन का, आपको जो 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 भी विषय आप पढ़े सबका क्या कर दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि अब यहाँ पर सेकंड नंबर में होता है कि टोटल कितना मार्क्स का ये सब पढ़े हैं, तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री तीनों को जोड़ लिया जाता है कि पार्ट वन में हमारा कुल कितना मार्क्स का पढ़े थे। अब कितना मार्क्स का क्या पढ़े थे, ऑनर्स, ऑनर्स सब्सिडरी और कंपोजिशन, ये तीनों विषय मिलाकर हम पार्ट वन में कितना मार्क्स का पढ़े थे। तो मान लीजिए पार्ट वन में आप ये तीनों मिलाकर 500 मार्क्स का पढ़े हैं, ठीक है, पार्ट टू में भी तीनों मिलाकर कितना मार्क्स का पढ़े हैं 500, और पार्ट थ्री में भी 500 मार्क्स का पढ़े हैं, तो कुल मार्क्स कितना हो गया 1500 हो गया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कुल 1500, कितना भरेंगे, कुल 1500 भरेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ वाला परसेंटेज कुछ अलग हो जाता है और आपका यूनिवर्सिटी वाला परसेंटेज कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पर कुल कितना भरेंगे, 1500 भरेंगे, कि हमने कुल कितना नंबर का पढ़ा, क्योंकि सब्जेक्ट का सबका नाम लिखे हैं, तब फॉर्म ये मार्क्स तो सबका भरेंगे ना, कुल तीनों साल में मिलकर कुल कितना पढ़े हैं, सब्सिडरी, कंपोजिशन और आपका ऑनर्स पेपर, कुल कितना पढ़े हैं यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। अब आपने कितना नंबर लाया है तो आप देख लीजिए कि 1500 नंबर का हम पढ़े हैं, तो तीनों साल मिलाकर सब्सिडरी, कंपोजिशन और ये ऑनर्स, ऑनर्स सब्सिडरी और कंपोजिशन, ये तीनों विषय में आपने तीनों साल मिलकर कितना नंबर लाया है। तो मान लीजिए 1500 मार्क्स का एग्जाम था, आपने लाया है कुल 800 नंबर, कितना नंबर लाया है, मान लीजिए कि आपने लाया है 800 नंबर, कितना लाया है 800, पार्ट वन का, पार्ट टू का और पार्ट थ्री का जब आप मार्क्स जोड़ रहे हैं कुल कितने कितना लाए हैं, तो मान लेते हैं कि आपने लाया है 800। अब यहाँ पर भरना होता है परसेंटेज, कितना परसेंट लाए थे, क्या यही वाला परसेंटेज भर देंगे जैसे यूनिवर्सिटी कैलकुलेट कर रहा है, नहीं, यहाँ पर परसेंटेज ये वाला भरेंगे, कौन सा भरेंगे, ये वाला परसेंटेज भरेंगे। देखिए जब मार्क्स ये वाला लिखे हैं कि इतना में इतना है, तो परसेंटेज भी कितना पर निकलेगा, इतना पर परसेंटेज निकलेगा, इतना पर परसेंटेज, यानी 1500 का एग्जाम हुआ 800 नंबर आया, तो परसेंटेज इसी पर निकाल दीजिए, 800 और इसका 1500 में आया गुना 100, क्या करना है गुना 100, अब बस इससे इसे कर दीजिए, इसे भाग लगा दीजिए और आपको आ जाएगा कि यहाँ पर आपको कितना परसेंट मिल रहा है, परसेंटेज निकल जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन वहां पर परसेंटेज कुछ अलग तरीके से निकल रहा था, यूनिवर्सिटी में कुछ परसेंटेज अलग तरीके से निकल रहा था, कैसे, ऑनर्स विषय पर। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन का जब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ सीधे सीधे लिखा रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई किया है, तो सब्जेक्ट का सब नाम लिखेंगे, कुल कितना नंबर का पढ़े हैं, तो कुल यहाँ पर जितना सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कुल पार्ट थर्ड तक देखेंगे कि कितना आपने पढ़ा है, ऑनर्स कंपोजिशन सब्सिडी सब मिलाकर, और यहाँ कितना आया है सब मिलाकर मार्क्स, और कितना परसेंटेज हमारा बना है, इसी को परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, वो वाला नहीं, वो वाला अलग परसेंटेज, या अलग परसेंटेज। तो हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें समझ में आ गया होगा।